हमारे साथ इस वक्त अनु है। अनु जो है अभी हमें कर रहा ना, बस इवेंट कर ले। हाँ अनु बताओ क्या कुछ हुआ, बताइए। जी सर मुझे एक मिनट सर, जी जी एक मिनट। हमारे साथ इस वक्त अनु है। अनु आप अभी अंदर से आए हैं, आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें ये था कि आपको परेशान किया जा रहा था, क्या कुछ हुआ आप मुझे बताइए। आ जाओ आराम से, काम ना हो आप पानी पीजिए उसके बाद बताइए। बाहर रो मत, रो मत अनु, रो मत अनु, रो नहीं। आप ऐसा कीजिए पहले पानी पीजिए, पानी पी लो अनु। आप मेरा बोर्ड ला दो, आपका बोर्ड उन्होंने लिया, बोर्ड भैया उन्होंने मुझसे साइन कराया कि मेरी सारी बिलोंगिंग्स है बट मेरा बोर्ड नहीं है, मुझे मेरा सिम कार्ड चेक करना पड़ेगा। अनु आपको नाखून कौन मार रहा था? तीन लेडी कांस्टेबल मेरे ऊपर चढ़ी थी। और कांस्टेबल ने क्या किया? आपके हाथ में जो जख्म आया ये पुलिस ने दिया है? ये आपको बोर्ड पकड़ने से लगा या उन्होंने मारा है? एक्चुअली सच बताती हूँ मैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं बाहर जाके ही बोलूंगी, मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर जाके ही मैं बोलूंगी। इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा जबरदस्ती की है और नाखून वगैरह बहुत मारे, बहुत बुरी तरह मारा है। आपको खड़ा रखा उन्होंने, बैठने की इजाजत नहीं दी? ऐसी नहीं है कि बैठने की इजाजत नहीं दी, पूछा उन्होंने बैठने के लिए बट मैं नहीं बैठी। आप कह रहे थे कि आपने जो मैसेज भेजा था, यही चीज, ये जो मैं ये सब कर रही हूँ ये मेरे बारे में नहीं है, आप लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप जो कर रहे थे, आप जो कर रहे हैं वो है कि कल मैं जल के ना मरूं, कल समझ रहे हैं आप, वो लड़की मर गई और लड़कियां मर गई, हर 20 मिनट में रेप हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, और अब मैं रेप केसेस नहीं देख सकती। मैं आप मेरा इंस्टा चेक कर लीजिए, फेसबुक चेक कर लीजिए, आप सब कुछ चेक कर लीजिए, मेरा कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है, मैं चीजें देख देख के अब थक चुकी हूँ, अब नहीं रहा गया, पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, मैंने कुछ पोएम शेयर किया आपसे, मैं नहीं सो पाई, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन नाइट। क्या ये शिकायत क्यों रेप पीड़ितों के लिए है और भी जो उनके साथ बार बार? मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने राइट्स समझती हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, मैं हर पर्सन की बात कर रही हूँ जो अपने राइट्स समझते हैं। हर इंसान को हक है कि वो बिना घूस दिए अपना काम कराए, हर इंसान को हक है, हर लड़की को हक है कि वो सेफ घूमे। अगर मेरा भाई मुझसे पूछता है अगर मैं लेट आती हूँ तो वो मुझसे हमेशा कॉल करके पूछता है कि तू कहाँ है, मैं नहीं देना चाहती आंसर, मैं अपना काम करना चाहती हूँ खुल के, लेकिन नहीं उसे इस बात, कल हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझसे यही कहा कि मैं यही हाल तेरा होते हुए नहीं देखना चाहता। परिवार को भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है, इसलिए आप प्रदर्शन पर? हाँ मैंने दिया है, मैंने बोला है कि मैं पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट नहीं करूंगी, उन्होंने मुझसे लिखवाया है, बोला तभी बाहर जाने देंगे। क्या लिखवाया है उन्होंने? लिखवाया है और उन्होंने बोला है कि तुम घंटों खड़ी रहो, तुम्हारा तुम कुछ भी कर लो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक तुम ये लिखती नहीं हो। देखो तो सही, अभी आप लोग इंटरव्यू लेने लग रहे हो। आप मैम CWC से आए हैं? DCW से। आपने क्या कुछ अंदर पता किया? अंदर मैंने इनके बारे में पूछा तो वहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहते बेटा, वो अभी खुद लेकर आए। प्लीज अब वीमेन कमीशन से आए तो हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ बात हुई है आपका अभी तक, क्या अभी पुलिस से क्या बात हुई है? वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाइए, मुझे बच्ची से बात कर लेने दीजिए। एकदम से वो घबराई हुई है, आप लोग इंटरव्यू लेने लग रहे हो तो थोड़ा सा प्लीज रुको। नहीं जानना जरूरी है लेकिन इसे सिंपल होने चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को समझो। तो अनु से हमने बात करी, वो बाहर निकली हैं और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उनके साथ जो तीन महिला कांस्टेबल हैं उन्होंने बदतमीजी करी, नाखून मारे गए हैं उनको, उनके हाथ में जो है हमने निशान देखे हैं, उनका जो बोर्ड है वो ले लिया गया है और वो लगातार बार बार यही बोलती जा रही है कि मेरा बोर्ड वापस दे दीजिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, ABP News, दिल्ली।
आजादी का सुबह 7 बजे से लगातार अनु दुबे की इस खबर को कवर कर रही हैं। आज अनु दुबे उन सवालों को पूछ रही है। ये देखिए आप अनु दुबे को देखिए, सुबह एकदम उसके चेहरे पर वो कामनेस थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। वानखेड़े साहब, उसने कहा मैं सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ बैठकर तब तक सवाल पूछूंगी जब तक जवाब नहीं मिल जाते। पुलिस थाने में जाकर उस लड़की का देखिए क्या हश्र किया है कि वो कन्फ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। पहले कहा पुलिस के बारे में बात नहीं करूंगी, फिर कुछ बातें बताई, और सबसे बड़ी खबर ये कि पुलिस लिखवाती है कि खबरदार जो प्रदर्शन किया, लिखित में दो के पार्लियामेंट वो जो संसद मार्ग थाना है उसके बाहर प्रदर्शन नहीं करोगी, मतलब संसद के बाहर प्रदर्शन नहीं करोगी तब जाकर छोड़ेंगे।